मिथिला की रानियों ने अपने सुंदर मन को परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया चरणों में, तब परमात्मा ने देखा। और हम लोग इतने चतुर लोग हैं कि हम लोग भगवान को मिठाई चढ़ा देते हैं, सोचते हैं पुण्य कर लिया, हनुमान जी बचाए ऐसे पुण्यात्माओं से। कई लोग तो फूल माला चढ़ा, हम तो एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या हाल है, गुरु जी सब ठीक है, हमने कहा पूजा पाठ करते हो, बोले गुरु जी रोज गीता का पाठ, गीता का उपदेश सुनते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात, सुनना चाहिए गीता का उपदेश। लेकिन हमने कहा ठटरी के भरे, गीता का उपदेश सुनते हो पर अभी तक सुधरे नहीं, कितने दिन से सुन रहे, बोले 35 साल। हमने कहा अभी तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी, 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे, ना कर्म योग है, ना भक्ति योग, ना ज्ञान योग। अरे बोले गुरु जी आप भगवद गीता समझ रहे क्या? हमने कहा हम तो वही था। अरे बोले गीता हमारी लुगाई का नाम है। बताओ बताओ, बोले हम तो गीता का उपदेश सुन रहे हैं, बताओ। एक और हमें सज्जन मिले, एक ऐसे बोले गुरु जी, हमने कहा हाँ, तुलसीदास जी को तुलसीदास उनकी पत्नी ने बनाया है, न पत्नी ताना मारती न तुलसी तुलसीदास बनते। हमने कहा ठटरी के भरे, पत्नी का ताना सुनने से अगर लोग तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर ना बैठे होते। कई लोग ताना तो क्या बेलन और चिमटा भी पाते हैं। बोलो जय सिया राम।